नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक एलईडी बल्ब रिपेयर के बारे में कुछ खास देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर कोई एलईडी बल्ब रिपेयर नहीं भी करना जानते हैं वो भी रिपेयर कर सकते हैं, और जो रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ खास देखने को इस वीडियो में मिलेगा। एंड इसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरे पास। दोस्तों देखिए, कोई भी मतलब एलईडी बल्ब हो, ठीक है, या कोई भी कंपनी का हो या कोई भी वाट का हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है दोस्तों। सबका रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो लगभग 99% एक ही समान होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये जो है एलईडी बल्ब मेरे पास आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये लगभग आई थिंक 20 वाट का होगा, 18 या 20 वाट का होगा, ठीक है दोस्तों। इसको जो है इसमें देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है, फिर इसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों आप जब भी एलईडी बल्ब रिपेयर करें दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी रिपेयर करें तो उसको सीरीज लाइट में ही जो है रिपेयर करें। ये जो होल्डर जो बनाया है मैंने दोस्तों, ठीक है, ये सीरीज लाइट का है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी एलईडी बल्ब रिपेयर के लिए आता है या खुद का हो, ठीक है दोस्तों, तो आप तो सबसे पहले देखेंगे इसमें दिक्कत क्या है, है ना, तो चेक करके पहले देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लाइन में लगाते हैं दोस्तों, तो सीरीज लाइट में लगाना है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो हम लगाए देखते हैं, और इसका लाइट जो है ऑफ़ कर देते हैं, तो फिर लगाए देखते हैं क्या दिक्कत है। तो दोस्तों इसमें जो है ध्यान से अगर देखते हैं, देखिए दोस्तों, ये देखिए हल्का हल्का जल रहा है, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है गौर कीजिएगा, देखिए अभी तो बंद हो गया, मोड़िए, हल्का हल्का जल रहा है, ठीक है। तो इससे तो ये थोड़ा बहुत कंफर्म हो जाता है कि इसमें जो है वोल्ट आ रहा है, आई मीन इसके अंदर जो किट होता है तो जानते हैं, ठीक है, सबसे पहला तो किट होता है, ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है आपको वोल्ट आता है, तो इसमें ये सीरीज लाइट में रहता है एलईडी, ठीक है, तो ये जो है फिर जलता है। तो इसमें कुछ कुछ ध्यान देने की बात है, तो वो क्या क्या है हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप थोड़ा ध्यान ये दीजिएगा कि जब ये हल्का हल्का जल रहा है या नहीं भी जल रहा है, उससे मतलब नहीं है, ये हल्का हल्का जल रहा है या नहीं भी जल रहा है, तो यहाँ पर पहले वोल्ट चेक करना है। तो ये हल्का हल्का तो जल रहा है, तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर वोल्ट आ रहा है, ठीक है, अगर नहीं जल रहा हो, ठीक है, तो इस पर हम चेक करेंगे कि वोल्ट आ रहा है क्या नहीं, तो मल्टीमीटर से जो है चेक कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो में आपको लगभग कोशिश करेंगे आपको डिटेल में समझाएं, ठीक है, और आज का वीडियो आप देख लेंगे तो रिपेयर आप आराम आसानी से कर सकते हैं, आप कुछ नहीं भी जानते हैं फिर भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें तो वोल्ट चेक करेंगे कि आ रहा है क्या नहीं, देखिए देखिए दोस्तों ये आ रहा है वोल्ट, इसका मतलब वोल्ट तो प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, और ये हल्का जलता है, ये भी समझ गए। तो इसमें कुछ ध्यान देने का बात है दोस्तों, ये देखिए कि सब, देखिए सब एलईडी जो भी है एलईडी, इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट मिल रहा है, देखिए आप देखिए दोस्तों, ये सब लगभग सेम है ये, ठीक है, मगर इसमें हल्का सा काला धब्बा आ गया है, देख रहे हैं, और इसमें भी आ गया है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों शायद ख़राब भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें जो है आप करेंगे क्या, इसको डायरेक्ट करके देखते हैं ये जलता है क्या नहीं। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ऐसा कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक से या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई वीडियो हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि जो जहाँ तक तो हेल्प करूँ मैं आपका। तो देखिए दोस्तों, इसको जो है हम आप चिमटा से भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, देखिए मेरे पास ये चिमटा भी है, ठीक है, और आपके पास अगर चिमटा नहीं है तो तार है, तो तार से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं जलता है क्या नहीं, देखिए दोस्तों ये तो जल गया दोस्तों, सब तो जल रहा है, मगर ये दो एलईडी ये और ये नहीं जल रहा है,
ऐसे भी देखिए दोस्तों, देखने से ही पता चल जाता है कि मतलब क्या बीमारी है। मतलब एलईडी जो जला हुआ है, अगर वोल्ट आ रहा हल्का जल रहा है तो बस एलईडी ही ख़राब होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास तो है ये सब एलईडी, कुछ उखाड़ के निकाले हैं दोस्तों। ये भी एलईडी आराम से लिए ये लेके लगा देंगे तो वो आराम से जलेगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये ध्यान देने की बात ये है दोस्तों, बहुत का कंप्लेन क्या आता है, बोलता है क्या कि मतलब बल्ब जलाते बनाते हैं कुछ दिन में वो उड़ जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, होता क्यों है दोस्तों, बहुत में क्या होता है दोस्तों कि मतलब बहुत में ऐसा सा दाग आ जाता है, उससे होता है क्या दोस्तों, ये एलईडी बल्ब जो है दोस्तों कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे किसी को सटाएँ दोस्तों, जो खराब है ज़्यादा सटाएँ, पूरा जल गया, ठीक, तो डायरेक्ट वो चेंज कर देते हैं, ठीक, वो चेंज कर देते तो वो बन गया। मगर होता है कि 15-20 दिन या एक महीना दो महीना में ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होता है कि वो भी तो आखिर एलईडी बल्ब में जो हल्का फल्का, जैसे ये हल्का है, ये जल रहा होता, मान लीजिए अभी तो नहीं जल रहा है, बाद में जल रहा होता, मगर ये कब तक जलेगा, फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो ये एक एलईडी ख़राब हुआ तो सब तो लाइट तो बंद हो गया ना, क्योंकि सब तो सीरीज में रहता है, ठीक है। तो सीरीज में एक भी अगर बल्ब ख़राब होगा तो कोई भी नहीं जलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है हम जो आप शॉर्ट भी कर सकते हो दोस्तों, अगर शॉर्ट देखिए एक से दो, अगर 18-20 वाट का है तो एक से दो गो शॉर्ट करेंगे तो जलेगा। मगर अगर आप एलईडी बल्ब अगर इसमें एलईडी लगा देते हैं दोस्तों, तो इसका लाइफ एकदम फिर एकदम यूं एकदम अच्छा हो जाएगा दोस्तों, फिर अच्छा से जलेगा वो, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको जो है बदलने का क्या नियम है, ठीक है, कैसे आप चेंज करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास जो है, अगर सोल्डिंग आयरन जो है ना दोस्तों, अगर अच्छा है, अच्छा वाट का है, 60 वाट का हो, सोल्डिंग आयरन ही अगर हैवी है, आई मीन 60 वाट हो या हैवी सोल्डिंग आयरन हो, ठीक है दोस्तों, ये तो थोड़ा सा मतलब ये है आपका, मतलब 25 वाट का है दोस्तों। तो इसमें भी जो है ना दोस्तों, जैसे ये इसका बल्ब उसमें लगाना है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आप बस ऐसे जो है थोड़ा हीट करना है दोस्तों, आपको दिखा देते हैं, जैसे ये सोल्डिंग आयरन है, बस यहाँ पे रखना है और उसके बाद ये गर्म होगा दोस्तों, तो यहाँ से निकाल के बस यहाँ पे बैठा दीजिएगा, खुद सोल्ड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि दूसरा ये है दोस्तों, अगर इस ये आपका सोल्डिंग आयरन मतलब ज़्यादा वाट का नहीं है, ऐसे तो इसमें टाइम लगेगा तो निकल ही जाएगा, ज़्यादा वाट का रहता है तो तुरंत निकल जाएगा पिघल के, ठीक है दोस्तों, तुरंत ऐसे निकाल के लगा सकते हैं। अगर नहीं है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा वाट का, तो आप दूसरा उपाय ये भी है दोस्तों, जैसे मोमबत्ती है दोस्तों, ठीक है, मोमबत्ती को जो है जला लीजिएगा, ठीक है, जैसे ये जला लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसे इसको ऊपर रखें दोस्तों, ठीक है, इसको ऊपर रखें तो ये जो है आपका हीट हो जाएगा, और यहाँ से आराम से निकाल के इस जगह आप बैठा सकते हैं, आराम से शोल्डर इसका छोड़ देगा और बैठा सकते हैं। और तीसरा उपाय दोस्तों, अगर आपके पास होटगन है, तो होटगन से पीछे अगर मारेंगे यहाँ पे तो एलईडी निकल जाएगा, एलईडी निकल जाएगा तो आराम से फिर उसको निकाल लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और तो ठीक है दोस्तों, तो अब इसका जो है हम एलईडी दोस्तों, ये दो है दोस्तों, आप जान ही रहे हैं, एक और दो, ठीक है दोस्तों। देखिए एलईडी आपको देखने से ही पता चल जाता है कि कौन खराब है नहीं है, ठीक है, ये दोनों को आप चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, अगर इसका एलईडी निकालना हो दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, देखिए इसको जो है हल्का दोस्तों हीट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आराम से जो है दोस्तों आप बैठा सकते हैं, दो गो है दोस्तों, एक और भी है दोस्तों मेरे पास, ये एलईडी, ठीक है, इसको भी जो है आराम से बैठा देना, तो दोस्तों देखिए इसमें जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों, ये जो है किस टाइप से बैठेगा आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों एलईडी का, आप गौर से देखिए दोस्तों, ये एलईडी का पेस्ट जो है दोस्तों, इस थोड़ा लंबा है, इधर हल्का छोटा है, और इसमें भी दोस्तों ये ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, इधर हल्का छोटा पेस्ट है, हल्का सा रंग हल्का कम है दोस्तों, ठीक है, घाट हल्का कम दिया हुआ है, इसका घाट बड़ा दिया हुआ है। ये ऐसे आराम से लेके बैठा दीजिए तो ये
बैठ जाएगा दोस्तों, इसका जो है हम हल्का सोल्ड कर देते हैं। आपने तो गरम गरम ही जैसे निकाले के यहाँ सटा दीजिए, ये सड़ जाएगा। आपको हम दिखाने के लिए जो है थोड़ा सा लॉन्ग कर दोस्तों, जब भी LED लगाएं तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये आप देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो है ये जो शोल्डर है दोस्तों ये काफ़ी लंबा है, ठीक है दोस्तों, और ये जो है छोटा है, ठीक है दोस्तों, ये उस साइड का छोटा है, इधर लंबा है, और सब में देखिए दोस्तों सब वही है दोस्तों। छोटा वाला दोस्तों प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, ये छोटा वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है। प्लस माइनस देख के ही लगाएंगे, नहीं तो जो फिर वर्क नहीं करेगा, वो जलेगा नहीं। उसके बाद इसमें दोस्तों क्या है, देखिए किट में भी जो है वही कंडीशन है, मतलब थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा दोस्तों। तो इधर जो है दोस्तों इस साइड का जो है दोस्तों, इस साइड का छोटा है, इस साइड का बड़ा है, तो LED का बड़ा वाला पॉइंट इधर लगेगा, छोटा वाला पॉइंट इधर लगेगा, बस देख के लगाना है, बस आराम से जो है आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों, जलेगा अच्छा से। तो इसको लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे आप जैसे किट से उतारें वैसे आप लगा सकते हैं तो बैठ जाएगा, सोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो ऐसे भी आप जो है सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोस्तों होल्डर में लगाया है ताकि गिरे नहीं, ये देखिए होल्डर है इसमें, तो इसको सोल्डिंग कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने सोल्डिंग कर दिया है, तो दोस्तों अब इसको जो है जला के देखते हैं जलता है क्या नहीं। ये रहा सीरी लाइट दोस्तों, ये देखिए दोस्तों जल गया अच्छा से। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस टाइप का वीडियो हम लाते रहते हैं, और जो भी ऐसा कोई बात हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, जहाँ तक होगा आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।